Hi, how is your college life going? Fun, exciting, lot of new friends, new people. I'm sure a lot of anxiety, a lot of homework, a lot of assignments, a lot of things that as a college student you have to go through. Guys, in this video, I'm gonna tell you the secret that how to deal with everything that goes on in college life. So make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so do subscribe. So let me tell you, indeed, college life is fun. There's a lot of exciting thing that's happening. Be it like making new friends, going out, you know, dressing up, but at the same time, there's a lot of anxiety. There's a lot of things that you struggle within. How to make new friends, how to fit in a group, you start liking someone, your hormonal changes. So let me tell you, it's quite normal and it happens with everyone. You're not alone. Let's talk about the most exciting thing. What's going या आई आई मीन यू नो आई यू लाइकिंग समू यू फील हैप्पी वेन यू सी दैट गाय और अ गर्ल कमिंग इन द क्लासरूम और सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है दैट्स अ टीन एज फीलिंग गाय इज इन्जॉय वो आगे चल के बहुत कम आती है बट इन कॉलेज एट्स द बेस्ट फीलिंग एंड यू शूड एन्जॉय एड एक एडवाइस देना चाहूंगी उस पर डो नॉट मेक नेगेटिव अगर सामने वाला आपको पसंद करता है या करती है तो बोनस समझ लो और यू नो यू कैन डेवलप योर फ्रेंडशिप और अगर उसे same feel नहीं होता है ना तो फ्रेंड्स right. मतलब friends वाला friend, वो लाइकिंग तो, you know, होता है बट वन थिंग यू शुड एन्जॉय दैट फीलिंग एंड इट्स रियली अमेजिंग सो इफ इट इज द क्लास वाइब नहीं है अब यार मैं वाइब के बारे में क्या बोलू आपके पास ऑप्शन है कॉलेज छोड़ने का तो आप छोड़ दीजिए अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको वाइब करना पड़ेगा मतलब वाइब नहीं है तो वाइब बनानी पड़ेगी यू विल हैव टू एडजस्ट विद पीपल अगर आपको एक साल तीन साल उसी कॉलेज में निकालना है तो वी कांट बी लाइक क्रिबिंग अबाउट थिंग्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर करके कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा अथॉरिटी जमा के वाइब बना लो Are you feeling the pressure of being best in the class? Are you trying to prove something? Uh, जिसके वजह से आपको tension आ जाता है कि यार अगर मैंने homework नहीं किया uh, तो teacher क्या सोचेगी या फिर मेरे classmates क्या सोचेंगे Are you going through that cycle? So in so, that case, let me tell you one thing: that you can take it easy. It's fine sometimes to not do your task. If, are you comparing yourself? यार वो बंदी कितनी अच्छी दिखती है उसके बाल कितने अच्छे हैं यार वो बंदा कितना अच्छा दिखता है मतलब बॉयज ऑब्वियसली बंदों को कंपेयर करेंगे कि उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है आई यू कंपेयरिंग प्लीज राइट अवे स्टॉप डूइंग एट अगर आपको लगता है आप में कोई भी कमी है आपके पर्सनैलिटी में तो उसे इम्प्रूव करो अगर आपको लगता है किसी बंदे की लैंग्वेज अच्छी है अगर आपको लगता है किसी बंदे का स्टाइल अच्छा है गो एंड कॉम्प्लीमेंट हिम और हर और अगर आपको कोई टिप्स चाहिए होंगे तो प्लीज आस इससे क्या होगा आपकी फ्रेंडशिप भी बनेगी और दूसरी चीज आपको बुरा नहीं लगेगा कंपेयर कर कि यार वो ऐसा क्यों है मैं ऐसा क्यों हूँ एंड ऑल सोट थिंग्स तो वो आपको अवॉइड करनी है देखिए ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज ऐसा हुआ है यू नो आई आई टू बी लाइक यार ऐसे कैसे है ये कैसे होता है दे आर सो गुड आई एम नॉट केपेबल तो वो चीज़ें क्या करती है पता है हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देती है तो उसे अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू लर्न टू अप्रिशिएट टू मेक फ्रेंड्स एंड आस्क पीपल कि कैसे करना है अगर आप पूछ नहीं सकते हो तो

डो नॉट डू समथ जिसको लेके आप कल को रिग्रेट करो बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ योर कॉन्शियस योर पेरेंट योर फैमिली एवरी थिंग सो जो भी आप करोगे वो आपकी जिम्मेदारी होगी यूर नॉट अ किड एनी मोर यूर अ टीन एजर राइट सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्शन और एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो जो भी आप करोगे उन चीजों को बहुत सोच समझ के करना कि आप क्यों कर रहे हो क्या ये करना जरूरी है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स मुझे ज्ञान नहीं आपकी चॉइस होने चाहिए बट आप स्मार्ट हो एंड यू नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग सो मेक अ राइट डिसीजन एंड में एक बहुत ही छोटा सा मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर प्लीज गाइस अंडरस्टैंड योर किड मतलब कि आज के जनरेशन की इश्यूज थोड़ी अलग है उन्हें थोड़ा सा सुनिए उन्हें थोड़ा सा समझिए मतलब यू नो वी जस्ट कांड होता था इनका जमाना अलग है इनका जनरेशन अलग है सो बी देयर एज अ फ्रेंड इट विल हेल्प टू डेवलप आप लोगों का रिलेशन ऑल्सो फॉर यू सो आपको भी समझ के लेना है कि वो अपने जगह पे सही है पर आप समझाने की कोशिश कर लो कई बार पेरेंट्स समझने की कोशिश कर लो बिकॉज सी इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे को पेरेंट्स बच्चों को और बच्चे पेरेंट्स को समझे सो दैट इट विल बी ईजी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ये रिलेशन बहुत ही क्रूशल है और टीन एज में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होती है एक दूसरे से तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं बाय

कर सकते हो इन कॉमेंट बॉक्स पे लो एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब